iPhone 5s 2023 में लेना चाहिए या नहीं बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। है गाइस, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं अमेजिंग अनबॉक्स। तो पहले इस फोन के बारे में आप लोगों को कुछ बता देते हैं। तो ये जो iPhone 5s है वो लॉन्च हुआ था 2013 के सितंबर में, और ये एप्पल का पहला स्मार्टफोन था जिसमें एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था टच आईडी को, और उसके बाद जितने भी सारे फोन है उसमें टच आईडी आने लगे थे। iPhone 10 से शुरू हुआ था फेस आईडी का ट्रेंड जो अभी तक चल रहा है, और तब का ये ड्रीम फोन था काफी सारे लोगों के लिए। iPhone 5s एक फ्लैगशिप कैटेगरी में आता था ये। इस फोन में एप्पल ने यूज किया था A7 का चिप, और जो स्पीड था वो था 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का, और 1GB रैम के साथ ये आता था। तो 1GB रैम सुन के आप थोड़े बहुत चौंक गए होंगे, लेकिन इसके बारे में मैं बताऊंगा। बाहर से आपको थोड़ा बहुत जो नॉइज है वो सुनने को मिल सकता है, क्योंकि बाहर जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चल रहा है। तो ये जो फोन है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज के साथ आता था, और इसका जो वेट था लगभग 112 ग्राम का था ये फोन। और इसमें डिस्प्ले जो है यूज किया था एप्पल ने रेटिना डिस्प्ले, क्वालिटी बहुत ही मस्त है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। और इस फोन के बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का HDR कैमरा विद डुअल टोन फ्लैश। इसकी फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा 1.3 मेगापिक्सल का। तो 1.3 मेगापिक्सल है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और बैटरी जो है वो इसमें आता था 1560 mAh का। और ये जो फोन है वो आपको लगभग अभी सेकेंड हैंड मार्केट में 3,000 से 4,000 रुपए में देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़े बहुत इसके स्पेक्स के साथ बहुत कंपैरिजन करेंगे हम अभी के टाइम के लिए। 2013 का आप कोई भी एक फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन ले लो और iPhone 5s ले लो, को जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो फोन है अभी भी स्मूथ रन करता है। अगर आप हाई यूज नहीं कर रहे हो तो ये बहुत ही स्मूथ चलता है, लैग फ्री जो है अभी भी ये चल जाता है आराम से। और डिजाइन के बारे में बात करूं तो अभी के जो एप्पल के iPhone 12, 13 या 14 है वो सब ऐसे डिजाइन के साथ आता है अभी, बॉक्सी टाइप का। साइड जो फ्लैट है इसका भी फ्लैट था। 3.5 mm का जो ऑडियो जैक है वो भी देखने को मिलता है। बॉटम फायर स्पीकर भी देखने को मिल जाता है इसमें। टच आईडी है वो अभी भी बहुत ही स्मूथली काम करता है, जो फोन है उसको बहुत ही फास्ट अनलॉक कर देता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। इसमें आपको बटन वाला जो है वो टच आईडी देखने को मिलता है। डिस्प्ले जो है वो इसमें यूज किया गया है रेटिना डिस्प्ले। तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो वाकई अभी भी काफी स्मूथ है, यूज में भी दिखने में भी काफी स्मूथली यूज कर पाएंगे आप लोग। और एप्पल ने इसको बहुत ही ऑप्टिमाइज करके रखा है, तो अभी भी ये जो स्मूथ चल जाता है, लैग फ्री आप यूज कर सकते हो। प्रोसेसर जो है इसमें यूज किया गया था S7 चिप, 1GB रैम जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस स्पेक्स में आप जो छोटे छोटे गेम्स है जैसे कि टेंपल रन, सबवे सफर, ये सब गेम आप बहुत ही स्मूथली खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैंने जब लिया था 2015 में, शायद मैंने पहला अपना iPhone 5s लिया था, तब लेने के बाद जब पबजी लॉन्च हुआ था, तब मैंने 2015 में नहीं, पबजी तो बहुत बाद लॉन्च हुआ, तब मैंने इसमें पबजी भी खेल के देख लिया। आप हायर सेटिंग पे तो नहीं खेल सकते, लेकिन लोअर सेटिंग में यह बहुत ही स्मूथली काम कर जाता था, और बहुत ही छोटा बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है, तो आप एक हाथ में इसे ले सकते हो, जेब में आसानी से चला जाता है, आप ऊपर की शर्ट की जेब में भी रख सकते हो। और इसमें जो हार्डवेयर वगैरह लगे हैं वो अभी भी अच्छे काम करते हैं। ये बात मैंने देख लिया कि एप्पल के जितने भी पुराने फोन क्यों ना हो, खराब बहुत ही कम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं खराब नहीं होते, नया वाला भी खराब हो जाता है भाई, लेकिन ज्यादातर फोन जो है पुराने वो बहुत ही कम खराब होते हैं, मतलब दिक्कतें आपको देखने को ही नहीं मिलेगा ज्यादातर। और इसमें जो iOS अपडेट है वो लास्ट आया था 12.5.4 का, उसके बाद उसमें एप्पल ने कोई अपडेट नहीं दिया। और कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको बैक में देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल कैमरा जो रिकॉर्ड कर सकता है 1080p एट 30fps पर। तो आप देख सकते हैं इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मतलब तब के मुकाबले में वीडियो क्वालिटी तो मैं कहूंगा मतलब एक टॉप नॉच लेवल का था। 10 साल बाद हो गए हैं अभी के लिए, थोड़ा बहुत क्वालिटी में नॉइज वगैरह देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी भी आपका जो काम है वो आसानी से चल जाएगा। आप इसमें आप स्लो मोशन वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो 720p एट 120fps पे, ये स्लो मोशन भी रिकॉर्ड करता है। क्वालिटी है, जो स्किन टोन है वो बहुत ही मेंटेन रहता है, आप देख सकते हो जो इमेज है इसमें जो कलर ग्रेडिंग है वो बहुत ही नेचुरल रहते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें नहीं है, बहुत ही स्मूथ सा फोटो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो ये 1.3 मेगापिक्सल का है, लेकिन आप देख सकते हो कुछ फोटो सैंपल्स स्किन टोन वगैरह देख सकते हो आप, बहुत ही ऑप्टिमाइज है इसमें। अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हो तो इतना कुछ ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा सेल्फीज वगैरह आप ले सकते हो इससे, मतलब टॉप क्वालिटी का नहीं होगा लेकिन देखने में इतना ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। डार्क में थोड़ा बहुत इसमें आपको नॉइज देखने को मिल जाएगा
सेल्फीज वगैरह में, क्योंकि इसकी जो ISO लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ये जो बैटरी है वो एक दिन आसानी से आपका निकाल देगा। अगर बैटरी नया हो तो 10 साल पुराना सेट है तो बैटरी चेंज नहीं किया है तो जो बैटरी बैकअप है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम के साथ जो बैटरी है वो खराब होने लगता है, उसकी जो बैकअप है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो अगर आप बैटरी चेंज कर रहे हो तो सेम अगर एप्पल का बैटरी आप लगा रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको मिल जाएगा। अगर मिल भी गया या फिर थर्ड पार्टी को भी बैटरी यूज कर रहे हो तो एक दिन आपका आसानी से ये निकाल देगा, क्योंकि बहुत ही ऑप्टिमाइज है, पावर कंजम्पशन बहुत ही कम करता है। और अभी बताते हैं कि iPhone 5s आपको 2023 में लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि 2022 जो है वो खत्म होने में बस एक ही महीना बाकी है, तो मैंने सोचा कि 2023 ही लगा देते हैं। तो मैं कहूंगा अगर आपको एक सेकेंडरी फोन चाहिए बहुत ही कम यूज के लिए, आपको बस फोन वगैरह करना है, नॉर्मल यूज करना है, ज्यादा हाई ग्राफिक्स वाले गेम वगैरह आपको नहीं खेलना है, तो आप ले सकते हो। प्राइमरी लेने के लिए सोच रहे हो तो इसमें भी सेम है, अगर आप बहुत ही कम यूज करते हो, आपको एक कॉम्पैक्ट सा फोन चाहिए, बस फोन आए जाए और थोड़े बहुत यूज हो जाए, थोड़े बहुत कैमरा भी आप यूज कर लेते हो, मतलब थोड़े बहुत कभी कभार एक दो सेल्फी भी खींच लेते हो तो इसे यूज कर सकते हो। और बैक कैमरा की जो क्वालिटी वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। और इसमें एक दिक्कत है कि इसमें आप जो LTE सिम वगैरह है जो जियो आता है जिस नेटवर्क बैंड के साथ, तो ये वाला फंक्शन जो है वो डायरेक्टली इसमें काम नहीं करता, मतलब आप इससे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जियो का कॉलिंग ऐप है उसे यूज करना पड़ता है, उसके बाद इससे आप कॉल कर सकते हो। बाकी नेट वगैरह जो है वो आसानी से चल जाएगा इसमें, वोडाफोन या फिर एयरटेल के जो सिम है वो इसमें डायरेक्टली चल जाता है, कॉलिंग वगैरह आप डायरेक्ट कर सकते हो। मेरे वाले जो iPhone 5s है इसमें फिलहाल डाला हुआ है वी का सिम, तो इससे आसानी से कॉल वगैरह सब कुछ हो जाता है, इंटरनेट भी ब्राउज वगैरह मैं कर लेता हूँ इसमें। आपकी नीड्स के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर आपको सिर्फ लेना है एक आईफोन, आपका शौक है, मेरा भी पहले ऐसे ही था, शौक के लिए मैंने लिया था, तो आप इसे ले सकते हो, स्मूथ यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको लैग फ्री जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा, कुछ लैग वैग कुछ देखने को नहीं मिलेगा इसमें। और थोड़ा बहुत स्टेटस तो है एप्पल का, अभी 5s जो बहुत ही पुराना हो चुका है, क्योंकि लोग जो है वो अभी थोड़े बहुत पैसा जोड़ के iPhone XR iPhone 11 वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि वो भी मिल जाता है 22,000 में। और अभी मेरे पास iPhone XR है तो मैं सोच रहा हूँ इसकी एक वीडियो बना दूं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना iPhone XR के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए या नहीं। और अगर आपको कुछ सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं अगले वीडियो में आपके जो जवाब है वो देने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।